जमी सादात और मोमिनीन के हिफ्ज़े इज्जत के लिए सलवा। बानी मजलिस, बानी रियासत, सरकार ज़ाइनिस मीर अली मुराद खान टालपुर के खानदान समेत सेहत और सलामती के लिए बुलंदा सलावा। बारवे आका की सलामती के लिए बुलंदा सलावा। एक मरतबा फिर अपनी जुबान को मुअत्तर करें दुरूद आले मोहम्मद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहबाबे आले मोहम्मद, अज़ादाराने इमामे मज़लूम, मुहिब्बाने हैदरी दरार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सदका आप मोमिन का खुलूस नीयत से मजलिस अज़ा में आना कबूल फरमाए। अल्लाह की ज़ात बाबरकत इस पुराशिद दौर में जमी सादा तो मोमिन की इज्जत जान माल अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तमाम सादा तो मोमिन को दीन आले मोहम्मद पे साबित कदम रखे। आमाले सालिया की तौफीक दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके इल्म में है कि इस अजीम खानदान के सरदार वाली रियासत की मरहुमा मग़फ़ूरा अहलिया शहज़ादों की वालिदा उनकी आज बरसी है। चूँकि खुद बीबी अम्मा मरहुमा असाधारा थी बड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, छुपी बात नहीं है किसी से कि ये खानदान इस खानदान का फरोग आज़ादारी में क्या मकाम है। जल्ला जलालहू मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सदका इस खानदान की तौफीकात में मज़ीद इज़ाफ़ा है। इज़्ज़त जान माल अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर सैयदा तैयबा ताहिरा राजिया मर्सिया तकिया नकिया सकिया हूरिया रिसिया ये अलकाबात है जनाब सैयदा के, और ये आयमा मासूमीन अहल बैत अदहार मासूमीन ने दिए। उनमें एक लकब है वो मुअबिया, अपने बाप की माँ। सहाबा-ए-किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह जी क्या कहोगे मां की बाप की मां? फरमाया मुझे मां वाला प्यार भी देती है। तो जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा सलावतुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा की अजमत के लिए हम जैसे नाचीजों को क्या मजा कि हम इतनी असीम हस्ती का शान बयान करें। लेकिन जो टूटे टूटे अल्फाज हैं मैं अपने ख्याल में कहता हूँ कि अजमत के लिए मनाकिब के लिए फजाइल के लिए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का नाम ही काफी है। बिस्मिल्लाह नाम ही काफी। वो कैसे क्यों
थोड़े शिया के शैतान तो तस्लीम किए बैठे हैं। रात राम की किताबों में उनके मुहद्दिसी ने उस जाम ने लिखा है कि फातिमा किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसकी औलाद पे और जिसके मानने वालों पे अल्लाह जहन्नम को हराम कर दे, फातिमा उस लेकिन एक हदीस ही इस मसले के हल के लिए काफी वाफी है। वो सुने पूरी तरह हुजूर का फरमान, किस नबी का फरमान, जिसके लिए अल्लाह फरमाए कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फनजम इज़ा हवा मा तसाहिबुकुम वमा खवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा अल्लाहु शदीदुल कुवा। जब तक मैं वही नहीं करता मेरा हबीब हौंड नहीं हिलाता। वो नबी फरमा रहे हैं कि या अली, पूरी तवज्जो, या अली अगर आप न होते, पूरी तवज्जो करता हूं, या अली अगर आप न होते तो आदम से लेकर फात कयामत तक फातिमा का कुफर इक्वल मसावी कोई नहीं। बराबर नहीं। अब ये अर्ज है कि आदम से लेकर कयामत तक कौन कौन आ गए, पूरी तरह इस पूरे वक्फे में, इसमें आदम, इसमें शीस, इसमें शुआइब, इसमें यहया, इसमें ज़करिया, इसमें सुलेमान, इसमें दाऊद, इसमें याकूब, इसमें यूसुफ, इसमें मूसा, इसमें ईसा, इसमें पूरी सीरीज नहीं घबरा के जी, ये सब मौजूद, फिर भी मुस्तफा फरमाए कि कोई भी फातिमा का हम सब नहीं, तो वो फातिमा जिनकी ये सब के सब, जिसके हम सब नहीं हो सकते, वो अली की क्या लगती है। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं, वो अली मौला की क्या लगती है, क्या रही है, कुरान से पूछे, अर्रिजाल अक्वामुन अला निसा, मर्द औरतों में हाकिम है अली, हाकिम है सैयदा तैयबा ताहिरा महकूमा है, अली की रैयत है, तो जब 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 सब मिलके अली की रैयत के हम सब नहीं हो सकते, तो लोग शेखों को अली मरियम से रुतबे में अफजल है।
आगे क्या मनवाना चाहती है, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये न किसको माने, इस किले पर का इस क्वालिटी वाला कोई दिखाओ तो। हिंदुस्तान के हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में मशहूर हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक, इसकी मशहूर ज़माना किताब मदारिज़-उन-नबुव्वत है, उसकी किताब है तकमीलुल ईमान। जितनी किताबों के नाम लूंगा ये सब की सब हकीर के पास मौजूद, उधार एक भी नहीं। किताब का नाम तकमीलुल ईमान, उसमें बहस की है शेख अब्दुल हक ने कि बीबी नाम लेके किसी उम्र मोमिन का वो अफसल या बीबी फातिमा, दलाइल देते कि जो उस बीबी को अफजल मानते हैं उनके दलाइल क्या हैं, जो जनाब सैयदा को अफजल मानते हैं उनके दलाइल क्या हैं, दलाइल देते देते अब अपना ओपिनियन दे रहा है कि मेरा क्या फैसला है। लिखा कि मैं हकीर, मैं फकीर, अपने मुहद्दिस, मैं हकीर, मैं फकीर, मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि मैं मोहम्मद के जिगर के टुकड़े में किसी और को फसीलत नहीं। सैयदा का हमसर कोई नहीं है, मोहम्मद के जिक्र के टुकड़े पे हम किसी और को फजीलत तरजीह नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह का डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को कौन नहीं पहचानता, मशरिक है वो, फक्र इस्लाम है जी जी, उसने उसके दौर में एक गर्मा गर्म बहस चल रही थी, वो क्या कि बीबी मरियम अफजल है या जनाब सैयदा जी। इकबाल को जो ये इतला मिली तो इकबाल ने कलम उठाया, अब कलम उठा के जवाब लिखा कि मुल्लाओं तुम्हें हुआ क्या है, इस पे तुम बहस कर रहे हो, इतनी सीधी क्लियर जो बात है उस पे भी गर्म गर्म बात चल रही है कि कौन अफजल। इकबाल ने कलम उठाई, क्या लिखा, अल्लाह अकबर, लिखा मरियम अज जब निस्बते ईसा अजीज। जागो नौजवानों, बुजुर्ग समझ रहे हैं, नौजवान समझे, मरियम अज जब निस्बते ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत जहरा अजीज। मरियम की इज्जत का जरिया फकत एक, वो क्या, ईसा की वालिदा हजरत जहरा अजीज। जहरा की इज्जत के जरिए दीन है, वो कौन से, एक बार बता दे, का नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन। नूर चश्मे रहमतन लिल आलमीन, इमामे अव्वलीन व आखिरीन। उस हस्ती की आंखों का नूर है फातिमा, जो आदम से लेकर ईसा तक 1,25,000 का सरदार। नूर चश्मे रहमतन लिल आलमीन, इमामे अव्वलीनों आखिरीन, ही एक तीन बताए इकबाल ने, तीन ये एक। दूसरा का बानुए आ ताजदारे हल अता, उस हस्ती की बीवी सौजा जिसके शोहर के सर पे अल्लाह ने कुरान की सूरह हल अता का ताज रखा। यो
जिसके जिन भी नौकर मलाइक भी नौकर दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं कि नबी की बेटी जिसे आपका हुक्म हो हम वैसे करें। जिन्नो मलाइका नूरी मलाइका आतिशी जिन नूरियो हम आतिशी फरमा बरश तवज्जो नूरियो हम आतिशी फरमा बरश गुम रजा अश दर रजा ए शोहरश। इतनी अजमत वाली बीबी अली के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है कि अली जैसे तू कहे मैं वैसे।
सल्लल्लाहु अलैहि व अगर तबीयत है तो एक बात की तरफ इशारा करो, मौला अली के लिए ये सूरा क्यों सिलेक्ट किया? बानुए ताजदारे हल अता, ये कुरान की सूरत है भाई, सूरह हल अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैय मज़कूरा। ये सूरह दार, सूरह इंसान, सूरह हल अता, एक सूरह के तीन नाम है। इकबाल ने इसको क्यों चूज किया, अल्लाह को क्यों बाकी सब सूरे छोड़ के? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम आए जनाबे सैयदा के घर। अब बेटी क्या बात है, तू परेशान है? बाबा मेरे हसनैन करीमैन बीमार हैं। कहा तीन रोजे मन्नत की बेटी, तीन रोजे मन्नत की रख ले, मैं तेरे बेटों का दुआ को हूँ, अल्लाह तेरे बेटों को शिफा देगा। रोजे शुरू हो गए, आपके बच्चे बच्चे को ये चीज मालूम है, मैं कुछ अर्ज कुछ और करना चाह रहा हूँ, ये आपके इल्म में है जी। रोजे शुरू हो गए, इफ्तारी का टाइम आया, कुर्स लिखा है हदीस में, क्या कुर्स क्या बने टिकिया, रोटी की टिकिया, हमारे वाली इफ्तारी नहीं, आले मोहम्मद की इफ्तारी है टिकिया। एक कुर्स, एक नाम, एक रोटी, एक टिकिया, वो पड़ी है सामने। एक एक के जनाबे फिजा हसनैन करीमैन अमीर कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा अलैहिस्सलाम, ये हस्तियां हैं पांच, टिकिया पड़ी है, इफ्तारी का टाइम है, दरवाजे पे आवाजें, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ये आले मोहम्मद हमारा सलाम, हम मिस्कीन हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें खाना खिलाओ, आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे? सबसे पहले जनाबे सैयदा ने रोटी दी, फिजा बहन जिया का जाद लेके जा, मौला ने कहा फिजा बहन मेरी भी दी जा, हसनैन करीम ने देखा कि वालिद ने दे दिया तो हम भी दे दें, फिजा ने कहा कि मैं मां को नहीं दे दी। पांच रोटियां चली गई, रोजा शुरू, दूसरे दिन इफ्तारी का टाइम, हम यतीम हैं, खाना खिलाओ, यतीम है खाना खिलाओ। उसी तरीके से हस्बे साबिक दे दी रोटियां, तीसरे दिन फिर रोटी सामने, फिर दरवाजे पे आवाज, हम कैदी हैं मेरे भाई, हम कैदी हैं, खाना खिलाओ। दे दिया अल्लाह के राह में खाना। कुछ देर के बाद रसूल आजम तशरीफ फरमा हुए, फातिमा के सर पे बोसा दे के फरमाया, बेटी अल्लाह ने कुरान की सूरह दहर आपके शान में उतारा। बिस्मिल्लाह आबाद रहो आले मोहम्मद राजी जी, बिस्मिल्लाह वयतीमून तआम, रखो मौलवी के सर पे कुरान। ये जो यतीमून है, ये जो या लगी हुई है, या ये भी क्या है यतीमून की या? अब ये जी छाया हाँ, नहीं है फैले मुजारिया अरबी ग्रामर में, फैले मुजारे क्या होता है? का जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों पे अप्लाई हो। नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों पे लागू हो, अप्लाई हो, उसको कहते हैं फैले मुजारे। तो अगर ये फैले मुजारे है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों पे लगता है, तो अब तक चुना क्या होगा? करना है तर्जमा क्या होगा? ये मिस्कीन यतीम असीर को खाना खिला रहे हैं और खिलाते रहेंगे। बिस्मिल्लाह जी जी, अब भी अगर नौजवानों, अब भी अगर किसी को न्याज समझ में ना आए,
مسکین اومہ یتیم اومہ سیرہ مسکین یتیم اسیر کو کھانا کھلا رہے ہیں اور قیامت تک کھلاتے رہیں گے. نیاز کا مسئلہ تو حل ہو گیا جی. بڑی مہربانی. اللہ اکبر جی. بسم اللہ. اب اس سورہ مبارکہ دہر میں بڑی کام کی چیز ہے. سورہ مبارکہ دہر میں ایک جملہ ہے وہ کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی علی فاطمہ حسن حسین فضا علیہ السلام کھلانے والے کہہ رہے ہیں کس کو؟ کھانے والوں کو. دونوں ساتھ ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں کہ ہم اپنا پیٹ بھوک پہ رکھ کر تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ فقط اور فقط اللہ کی محبت کے لیے. بڑھیا. بسم اللہ. اللہ کی لوجہ اللہ اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی راہ لا نرید توجہ میرے بھائی لا نرید منکم جزا ولا شکورا ہم آپ سے نہ شکریہ چاہتے ہیں جی نہ شکریہ. صلوات محمد وآل محمد. قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ
ईमान वालों नमाज पढ़ो, सहाबा ने नमाज पढ़ी। या अय्युहल लज़ीन आमनु अकीमु सलात वातु ज़कात, ज़कात अदा करो, सहाबा ने ज़कात दी। पर दिल्ला है अल्लाह ना से हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह की राह में हज करो, सहाबा ने हज किया। وجاهدوا في الله حق جهاده, अल्लाह की राह में जिहाद करो, सहाबा ने जिहाद किया। तो जैसे कुरान कहे, जैसे कुरान कहे, जो वैसे करे उसको सहाबी कहते हैं। तो पूछा, अच्छा अहल बैत, ये तो सहाबा बताए अहल बैत। मैंने कहा अहल बैत से नहीं, काबू करो खुद को। अहल बैत कौन है आप बताएं? मैंने कहा जो जैसे करे, जो जैसे करे वैसे कुरान उतरे। जी बिस्मिल्लाह, बहुत बड़ी बात कर दी आपने, साबित करेंगे। मैंने कहा सुने, हिजरत की रात अली अलैहिस्सलाम बिस्तर पे सोए पहले निकाले नहीं थे, तो बात तो भी ऊपर
ये करते जाएं, कुरान बनता जाए, यहां तो बात नहीं रुकी, ये सोचे तो कुरान अल्लाह अकबर जी। हजरत इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी 194 में पैदा हुए, 256 में मरे। कौन नहीं पहचानता इमाम बुखारी को? उनकी मशहूर ज़माना किताब है अल अदब अल मुफरद, उसमें लिखा है इमाम बुखारी ने कि जब रसूल खुदा तशरीफ़ फरमा होते थे, जनाबे सैयदा आती थी तो रसूल उठ खड़े होते थे। रसूल बेटी को अपनी जगह पे बिठा देते। अपनी जगह पे बिठा देते, हाथ पे बोसा देते थे जी। अब यहां अगर एक जुमला लगता हूं तो दुख होगा मुझे, वो किसका? हजरत अल्लामा सैयद अली नकी नकवी उर्फ नक्कन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे, भाइयों मैंने हजारों किताबें पढ़ी, मुझे ये तो मिला कि रसूल फातिमा को अपनी जगह पे बिठाते थे, ये तो मुझे नहीं मिला। लेकिन आज तक मुझे किसी किताब में ये नहीं मिला, हुसैन का सत्ता तवज्जो, आज तक मुझे किसी किताब में ये नहीं मिला कि रसूल फातिमा को अपनी जगह में बिठाने के बाद खुद भी बैठते थे या नहीं। जब तक सैयदा तशरीफ फरमा है रसूल मोहम्मद राजी की बिस्मिल्लाह बीबी कहां बैठ रही है? रसूल की जगह पे, हुजूर की जगह पे। रब्बे काबा की कसम सुने, हर किताब का नाम हयात सहाबा है, लिखने वाले मोहम्मद क्या लिख रहे हैं वो, कि जब पहले हजरत आए रसूल की जगह पे नहीं बैठे, इसलिए जीना छोड़ के। दूसरे आए पहले की जगह नहीं बैठे, तीसरे आए दूसरे की जगह नहीं बैठे, नीचे नीचे नीचे। क्या मतलब? अपने फैल से, अपने फैल से आवाम को मैसेज देना चाहते थे। पहले ने ये मैसेज दिया फैल से कि मैं रसूल जैसा नहीं। ठीक, मैं रसूल जैसा नहीं, इसलिए मैं रसूल की जगह पे नहीं बैठता हूं, जीना छोड़ के बैठता हूं, मैं रसूल जैसा नहीं। यहां रुक कर मैं दस्त बस्ता भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जब आपका पहला बुजुर्ग रसूल जैसा नहीं है तो ये मुल्ला रसूल जैसा कैसे बन गया? कुछ रखे, ये पहले का पैगाम था, अमली पैगाम, जुबानी नहीं, अमलन। ठीक, दूसरे आए पहले जगह पे नहीं बैठे, क्या मतलब? कि मैं पहले जैसा। तीसरे दूसरे की जगह पे नहीं बैठे, क्या मतलब? मैं दूसरे जैसा नहीं हूं। तो जो मालिक है, जो मालिक है, वो तो ये फरमा रहे हैं कि हम एक जैसे नहीं है, और मुरीद हमारे कान खा जाए कि हम मर्तबा है 11 में नहीं, कुछ फर्क नहीं इन चारों। बड़ी बड़ी माजरत के साथ ये हकायक ना, ग्राउंड रियलिटीज है, इनको कहां करें यार? हकायक का मुंह चढ़ाना अच्छे आदमी का काम नहीं है, ये हकायक है। अल्लाह अकबर। आइए जनाब, तो आए जो आपके हमारे मौला एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, सीधा वही जहां रसूल जी बिस्मिल्लाह। छह में गोलियां शुरू हो गई,
हमने कहा नीचे बैठेगा, ये तो उसी जगह बैठा जहां रसूल उज़्ज़ुल्लाह के कान में आवाज पहुंची, वज़्ज़ुल्लाह के चेहरे पे जला जी। मौला ने आवाज से फरमाया, या यूहन्नास, ओ लोगों, ओ अली पे एतराज करने वालों, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ईकान में, इरफान में, ईमान में दोषे पैगंबर अफजल या लकड़ी का मेंबर? जब काबे के अंदर इस जगह मुझे खड़ा करके बुद्ध बुलवाए उस वक्त खामोशी सुन के
जल्दी जल्दी आके कहा, अल्लाह का वास्ता आगे न बढ़ना, इस कैद खाने में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पढ़ता था। अल्लाह शिकारी तो मैं ठहर गया, जो हिलमी थी मेरी उसने फसीह अरबी जुबान में उस कैदी पे दो सलाम किए, अस्सलाम अलैक या इमाम अल खरीब, ओ मेरे परदेसी मौला आप पे मेरा सलाम, दूसरा सलाम अस्सलाम अलैक या इमाम अल असीर, ओ मेरे कैदी मौला आप पे मेरा सलाम। शिकारी कहता है मेरी हैरत की हद न रही, जानवर अरबी में सलाम। उसके बाद मेरी हिरनी ने कैदी के कदमों पे मुंह रख के कोई बात की, शिकारी कहता मैं नहीं समझा, मुझे कहने लगा कैदी, शिकारी जी ये सामने पहाड़ देख रहा है जी, ये मुझे रोके फरियाद करती है कि इसने मुझे सुबह को पकड़ा है, मेरे बच्चे भूख में है, मैंने दूध नहीं मिला, आप जामिन हो जाएंगे, दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, मैं जामिन हूं इसको छोड़। उसने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, क्यों? इसलिए जब मैंने हिरनी को पकड़ा मैंने नियत की थी कि यजीद को देखे इनाम हासिल करूंगा। शिकार के तक जब मेरी जुबान पे यजीद का नाम आया, शिकार कहता कि मैंने देखा कैदी के चेहरे पे जलाल आया, जलाल में आकर मुझे कहा कि अगर यजीद से ज्यादा इनाम मैं तुझे दूं फिर इसको छोड़ेगा? अजीब कैदी है, तार तार कपड़े, जला हुआ मामा, जंजीरों में जकड़ा हुआ, ये यजीद से ज्यादा मुझे इनाम देगा? यकीन था देगा नहीं, कहा मुझे दे मैं छोड़ूंगा। शिकारी कहता मेरी हां करने की देर थी, झुका कैदी झुका, कैद खाने की मट्टी हाथ में उठाई, क्या मुझे उस जात की कसम, मैंने देखा जब तक जमीन पे थी मट्टी थी, जैसे कैदी के हाथों पे पहुंची जवाहरात में तब्दील, ले छोड़ हिरनी को। मैंने लेके हीरा जवाहरात को चूम के रखे, कदमों के गिर के कहा अल्लाह का वास्ता आप अपना तारुफ करें, आप हैं तो चंडी सांस लेके कहा मदीने वाले मोहम्मद को पहचानता है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा रसूल है, उसका भाई अली का मेरा इमाम है, तो अली की कोई औलाद का हसन हुसैन, जवानों ने जन्नत के सरदार हुसैन का नाम आया, लोग कहने लगा पहचान हुसैन का बड़ा बेटा मैं। शिकारी बेहोश हो गया, जैसे होश में आया हिरनी वही, जवाहरात वही, हर चीज छोड़ी, एक एक शामी के दरवाजे पे गया, बगैर तो तुम्हें शर्म नहीं आती, जहरा की औलाद मट्टी में सोई हुई है, तो घरों में बच्चों के साथ सोए थे, लोग घरों से निकले, यजीद के महल का घेराव किए, यजीद ने पूछा क्या बात है, एक शिकारी है ये सब काम उसने किया है, लाओ उसको मेरे पास, आया क्या बात है? शिकारी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, जो मैं देख के आया हूं वो बता रहा हूं, जिसको तूने कैद किया है मैं यकीन से कहता हूं अगर वो बद्दुआ के हाथ बुलंद कर न तेरा तख्त रहे न तेरा ताज। यजीद मनूर ने कहा तो मुझे डरा रहा, नहीं मैं सच कह रहा, जल्लाद को हुक्म दिया, शिकारी शहीद हो गया। किताब में लिखा एक छोटी बच्ची, एक बीबी, उसके दो वारिस थे शिकारी के, उसने रुका सर पे रखा, अपनी बच्ची को साथ लाए, दौड़ती हुई कहा यजीद के महलात नहीं कैद खाने की तरफ, आके सैयद सज्जाद से कहा, जुमले सुने मौला सज्जाद ने सुना से शिकारी की बीबी ने, वो हिरनी के बच्चों पे रहम करने वाले, आपको तो जानवरों के बच्चों पे रहम आ गया,
इनका बाप तुम्हारी मोहब्बत में मारा गया, दुआ मांगे इनका बाप जिंदा हो, आजादार हो। खुदा गवाह है, मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दस्त दुआ बुलंद किए, अर्ज किया मेरे पालने वाले करबला में मेरा बाबा हुसैन शहीद हुआ, मैंने कुछ न मांगा, मेरा अब्बास चाचा बाजू कलम हुए, मैंने कुछ कोई सवाल नहीं किया, मेरे अकबर को पर्ची लगी, मैंने कोई सवाल नहीं किया, कासिम की लाशा पामाल हुआ, मैंने कोई सवाल नहीं किया, मेरे असगर को तीर लगा, मैंने कोई सवाल नहीं किया। अब सवाल है कि बाप को जिंदा कर दे, आजादारो दुआ के हाथ अभी नीचे नहीं आए, शिकारी जिंदा। जैसे शिकारी को बेटी ने देखा, छोटी ने, कि बाबा आ रहा है, दौड़ के जाके गले से लगी। सहरा की औलाद को रोने वालों, ये सारा मंजर बीबी सकीना देख रही है, बेटी बाप से कैसे मिल रही है। बिस्मिल्लाह मोहम्मद राजा जी, बिस्मिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती सैयद सज्जाद के जंजीरों को पकड़ के रोके, सज्जाद भाई ये दुआ करबला में क्यों नहीं मांगी, से बच जाती है सजा मोहम्मद।